गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी विल सी द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस. डेंसिटी एंड मोलर मास, ठीक है, वी विल डिराइव द इक्वेशन. सो वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी हैव रेड, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन. सो इफ आई राइट एन अपॉन वी को एक साइड ले जाएं, तो वी विल राइट एन अपॉन वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी. पहले एन को निकाल लो, सो आर टी, एन को निकाला तो पी, देखना ध्यान से, ऐसा कर सकते हैं ना, एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी, राइट. अब v को भी निकालना है, v को नीचे ले आए तो p अपॉन आर टी, एन अपॉन वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी. आफ्टर राइटिंग दिस, n मीन्स क्या होता है बेटा, क्या पढ़ाया था, n मीन्स स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, डू यू रिमेंबर. सो वी विल राइट n के बदले वी विल राइट m अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इंटू v, नीचे रह गया, इज इक्वल टू p अपॉन आर टी. ओके, अब m अपॉन v क्या होता है बेटा, डेंसिटी. ये बात समझ में, दिस m अपॉन v मीन्स डेंसिटी. सो वी कैन राइट हियर देयर फोर d अपॉन कैपिटल m इज इक्वल टू p अपॉन आर टी. d अपॉन m इज इक्वल टू p अपॉन आर टी. अपने को डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशन निकालना है d और m में, सो देयर फोर वी विल राइट m को निकालो, सो m इंटू पी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू डी इंटू आर टी, करेक्ट. देयरफोर m इज इक्वल टू, m को बाहर ले लो, m इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन पी. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी. दिस फॉर्मूला ऑल्सो वी विल यूज इन द न्यूमरिकल्स, ये याद रखना है, ठीक है. आफ्टर दिस वी विल रीड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ये तो एकदम ईजी था, यू अंडरस्टूड, सिर्फ n की वैल्यू हमने पुट कर दी. फर्स्ट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वी हैव रिटन, देन n वी हैव सेपरेटेड आउट, सो n अपॉन v इज इक्वल टू p अपॉन आर टी. सो n इज इक्वल टू m अपॉन m, मालूम ही है स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, एंड स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इंटू v लिखा, सो m अपॉन v गिव्स द रिलेशन अबाउट डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो डेंसिटी अपॉन m इज इक्वल टू p अपॉन आर टी, देन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल m दैट इज मोलर मास एंड डेंसिटी, डी आर टी अपॉन p, राइट. नाउ वी विल रीड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज वेरी इजी. जॉन डाल्टन इन 1801 सेड दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज. क्या मीनिंग हुआ बेटा, कि अगर कोई गैस है उसका प्रेशर पी वन है, दूसरी गैस है उसका प्रेशर पी टू है, एंड थर्ड गैस इज देयर एंड इट्स प्रेशर इज पी थ्री, सो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर. यानी एक कंटेनर उसमें अलग अलग गैसेज, इंडिविजुअल गैसेज हैं, एंड साइमल्टेनियसली दे आर नॉन रिएक्टिव गैसेज, यू अंडरस्टैंड नो. इफ दे विल रिएक्ट अमंग देमसेल्व्स देन द सिचुएशन विल बी डिफरेंट. इफ द गैसेज आर नॉन रिएक्टिव देन वॉट विल हैपन, द टोटल प्रेशर विल बी गिवन बाई द सम ऑफ प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज. दैट मीन्स पी टोटल इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री एंड सो ऑन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक. अब सपोज करो कि ये गैसेज हैं सर्टेन, सपोज एट टेम्परेचर टी लिखती हूँ, एट टेम्परेचर टी, ठीक है, थ्री गैसेज आर देयर इन द वॉल्यूम वी, थ्री गैसेज आर देयर इन वॉल्यूम वी, देन वॉट विल हैपन, देयर पार्शियल प्रेशर्स आर, देयर पार्शियल प्रेशर्स आर
P1, P2 and P3. Three gases are there and their partial pressures are P1, P2 and P3, right? So, first formula PV is equal to nRT, we know children. So, PV, to PV ke badle is bar P1 likhenge. PV is equal to nRT, where P1 is the partial pressure and number of moles is N1 RT, baki ki cheeze same rahengi. So, R is constant and V and T to constant hi liya, therefore, we can write P1 is equal to N1 RT upon V, first equation. Similarly, we can write P2 is equal to N2 RT upon V, right? Third one we can write, isko first kar de, first, this is second and this is third, that is P3 is equal to N3 RT upon V, this is third. About all the three gases. So, P total kar do ab. So, P total is equal to P1 plus P2 plus P3 because we have taken three gases. Okay. So, what is the value of P1 beta? N1 RT upon V plus N2 RT upon V plus P3 is N3 RT upon V, right? अब कुछ इसमें common दिख रहा है क्या? Yes, RT upon V is common. So, let us take RT upon V common. Then we will write is equal to RT upon V common. What is left? N1 plus N2 plus N3. Correct? Therefore, divide, here let me write, divide P1 by P total, P1 by P total, okay? So what is our P1 ki value kya beta? P1 is N1 RT upon V, so N1. So, when we have divided P1 by P total, so P1 ki value N1 RT upon V divided by P total is N1 plus N2 plus N3 into RT upon V, okay? So, it can be written as N1 into RT upon V will come down. Similarly, N1 plus N2 plus N3 into RT upon this V will go up. So, RTV and RTV are cancelled. Can we cancel, children? RTV and RTV cancelled. So, what is left? N1 upon N1 plus N2 plus N3. So, let me write here. Therefore, P1 upon P total is equal to N1 upon N1 plus N2 plus N3. Do you see, children, this is N1 is the number of moles of first gas and this is total number of moles. So, can we say this is the mole fraction, number of moles divided by total number of moles. So, this is the mole fraction is equal to X1. Understood? Where P1, where X1 is mole fraction of first gas, is it? Similarly, P2 can be, we can bring out P2 is equal to N2 upon N1 plus N2 plus N3. It will be written as mole fraction of second gas. Okay. Similarly, P3 is equal to N3 upon N1 plus N2 plus N3 is equal to mole fraction of second, third gas. Okay. So, in this way we can write P1 is equal to, P1 agar nikalna hai, to P1 upon P total
P1 upon P total is equal to X1 mole fraction. Therefore, P1 can be given as X1 into P total. This is the formula. Yaad rahega? Partial pressure of first gas or partial pressure of any gas is given by its mole fraction into total pressure. Similarly, we can derive P2 is equal to X2 into P total. Similarly, third one, P3 is equal to mole fraction of third gas into P total. So, in this way, we have derived P1 is equal to X1 P total, P2 is equal to X2 P total, and P3 is equal to X3 T total. So, general equation will be P1 is equal to X1 into P total. Understood? So, in this way, we have derived the relation between partial pressure of a gas and mole fraction and total pressure of the gases. So, this formula we will remember and we will solve lots of numerical based upon this. Okay, thank you.